सीएम योगी ने सपा सरकार के भर्ती घोटाले का लिया संज्ञान। पशुपालन विभाग में एसआईटी गठित करके कराई भर्तियों की जांच। 6 अफसर समेत पशुपालन विभाग के निदेशक को किया निलंबित। मनमाने तरीके से मानकों को दरकिनार करके हुई थी भर्तियां। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में पशुधन अधिकारियों की सपा सरकार में हुई नियुक्तियों को लेकर एसआईटी को जांच के आदेश दिए थे। इसी पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सीएम योगी ने 6 अधिकारियों और पशुपालन विभाग के निदेशक को निलंबित कर दिया है। सपा सरकार के दौरान 2012-13 में पशुधन अधिकारियों की भर्ती में हुए घोटाले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के अपर निदेशक समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसआईटी ने भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश किया है। जांच में पाया गया कि भर्ती में मनमाने तरीके से मानकों को दरकिनार किया गया था। प्रदेश भर में 1148 पशुधन प्रसार अधिकारियों की हुई भर्ती में अफसरों ने लिखित परीक्षा 100 की जगह 80 नंबरों की करवाई और 20 नंबर का इंटरव्यू रख दिया, जिसके सहारे मनपसंद अभ्यर्थियों को चुना गया। योगी सरकार ने 28 दिसंबर 2017 को मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। जांच के बाद एसआईटी टीम ने प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी, जिस पर कार्रवाई की गई है। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें अशोक कुमार सिंह, जीसी द्विवेदी, डॉक्टर हरिपाल, एसपी सिंह और अनूप श्रीवास्तव के नाम भी शामिल हैं।